तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट टॉपिक यानी कि द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ भी लिया था। अब हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ने वाले हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा बना हुआ था। कुछ लोगों को चुना गया था जो कि आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाए थे और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो कि है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड 9 दिसंबर 1946। जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके हेड को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के फ़ोटो को आप यहाँ देख भी सकते हो। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी हेड थे जो कि लगभग 2 दिन के लिए ही बने थे। अब जो सेकेंड मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ जो कि जिसके परमानेंट हेड को चुन लिया गया था जो कि थे राजेंद्र प्रसाद। उनके पिक्चर को आप यहाँ देख भी सकते हो। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर जो असेंबली था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट था द असेंबली ऑफ इंडिया एंड द असेंबली ऑफ पाकिस्तान। असलियत में उस समय जो इंडिया था उसको डिवाइड किया जा रहा था 2 पार्ट्स में, जो कि एक पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था और एक इंडिया खुद था। तो उसके कारण वहाँ पे उस समय दो असेंबली बनाए गए, दैट इज़ असेंबली ऑफ इंडिया एंड असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर भी उसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने कुछ मेंबर्स को चुना था और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर में रखा गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। फिर जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था उसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसका आंसर होने वाला है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मेरा एक क्वेश्चन है इस वीडियो में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, तो फिर उसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उसे उस समय ही तो अडॉप्ट किया जा सकता था ना।